माइक्रोफोन हेलो हेलो बहुत सुंदर कार्यक्रम सुनने को मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि परसों के दिन संभव भैया से हमारी भेंट उन्नाव में हो गई। आपने बताया कि एक अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है फतेहपुर में। और आप लोगों के दर्शन का ये सौभाग्य मिल गया। सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय सम्मानीय भैया पप्पू भैया तिवारी जी, आदरणीय भैया कोमल भैया तिवारी जी, सत्येंद्र तिवारी जी, सभी का स्वागत करता हूं। कीर्तन मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है, लेकिन जब कीर्तन में इस तरह की बातें आने लगती हैं तो बड़ा कष्ट होने लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है तो तुम कह रहे हो वो गलत है। बस चार पंक्तियां भेंट करना चाह रहा हूं कि रफ्ता रफ्ता समय ये गुजर जाएगा, आज कब्जे में है कल मुकर जाएगा, दूसरों की बुराई रखा है क्या, दूसरों की बुराई न रखा है क्या, आप सुधरो जमाना सुधर जाएगा। गोपाल दास नीरज जी ने चार पंक्तियां लिखी थी। अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें आदमी को केवल आदमी बनाया जाए,
एक दूसरे की चाहत का असर हो इतना कि एक रहे भूखा तो ना दूसरे से खाया जाए। आदरणीय सम्माननीय, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय सम्माननीय हमारे भैया श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी जी आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं हमारे लिए भेंट हुई हैं। मैं उनके सुखद जीवन के लिए भगवत जी से कामना करता हूँ। बड़े हों तो उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर छोटे हैं तो मैं उनके लिए कोट कोट शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक गीत भी कर रहा हूं कि तोबा ये पटवाली चाल, क्या बात है, झुक जाए फूलों की डाल। फिर भी पंक्तियां नहीं, कभी कभी अच्छी लग जाती हैं। चांद और सूरज आके मांगे तुझसे रंग जमाले, हसीना ए हसीना ए हसीना ऐसी मिसाल कहां। निवेदन करता हूं चार पंक्तियां पहले। ये पुण्यमयी पावन बेला, इस बेला में तुम ना सो खो गया है जो खो जाने दो, जो बचा है उसको ना खो। लाल चंद्र ये ध्यान रहे, बीते कल को अब ना रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम ना बो, क्योंकि मेरा भारत देश महान। क्या कहा जाए, ये इस स्नेह के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, गरीब ब्राह्मण है। इतना जरूर है कि ज्यादा नहीं, एक गीत आया था कि तुम्हें और क्या दूं,
इस दिल के सिवाय, हालांकि अब ज्यादा नहीं बची, लेकिन जितनी बची है वो तुमको हमारी उम्र लग जाए। ब्राह्मण के पास आशीर्वाद की माला है और उसके पास आदरणीय पप्पू भैया तिवारी जी की ओर से भी हमारे लिए बड़ी स्नेहिल भेंट है। शंभु अंचल जी ने इस माता रानी की अमूल्य चुनरी से हमको सम्मानित किया है, उनके सुखद जीवन के लिए भगवती से कामना करता हूँ। ये मेरा भारत देश महान, हालांकि संजय भैया हो सकता है कि ये गीत आपके चैनल में पहुंच गया हो। मेरा भारत देश महान और इसमें तीन का अंक प्रधान। तीन का अंक कैसे है? कैसे भारत देखें तो तीन अक्षर हैं, महान देखें तो भी तीन अक्षर हैं, और तिरंगा देखें तो भी उसमें तीन ही हैं। मेरा भारत देश महान, इसमें तीन का अंक प्रधान, जय जवान और जय किसान के। बहुत हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। मैं कोई दलगत बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे। उसके बाद एक हमारे और देश के बहुत ही होनहार प्रधानमंत्री पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। उन्होंने कहा शास्त्री हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और उन्होंने नारा दिया जय विज्ञान। लालचंद दीक्षित का गीत तैयार हो गया कि मेरा भारत देश महान, इसमें तीन का अंक प्रधान, जय जवान और जय किसान के, साथ में जय विज्ञान। जहां में ऐसा प्रमाण कहां हो। दिलीप ने कहा तोबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, और ऐसी मिसाल कहां हो सकता है कि उनकी नजर में वही मिसाल हो। हर कोई अपनी प्रेयसी को लाजवाब समझता है, वो कहेगा ऐसी मिसाल कहां। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं अगर ऐसी मिसाल कहीं हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं आपका सम्मान करूंगा मंच के माध्यम से। मैं एक बार विचार कर रहा था कि आज के इस विकास के युग में, वैज्ञानिक युग में, शायद कोई ऐसा देश हो जहां जवान ना हो, किसान ना हो या विज्ञान ना हो। हर देश में जवान है, किसान है और विज्ञान है, लेकिन ये नारा केवल भारत देश में क्यों है? क्यों अन्य देशों में क्यों नहीं है? क्यों? उसका कारण ये है कि भारत जैसा जवान, भारत जैसा किसान और भारत जैसा विज्ञान किसी देश में ना तो कभी था, ना है और ना आगे होगा। चला कि आपको आश्चर्य जरूर लगा होगा कि भारत आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल एक 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 जवान, एक किसान और एक विज्ञान दिखा रहा हूं। अगर ऐसा कहीं उदाहरण मिल जाए तो निवेदन के तौर पर बताइएगा।
एक जवान आएगा, जय जवान देखते हैं, एक ऐसा जवान कि जब से जवान हुआ आज तक जवान है, और जब तक धरती में रहेगा वो जवान ही रहेगा। है कौन? कौन? नाम नहीं बता रहा हूं, समझिएगा। अकेले ही लंका जाकर, अकेले ही लंका जाकर तहलका मचाए, त्रिभुवन विजेता को भी जो नाच नचाए, अगर अयोध्या आ जाए तो बीच सभा में सीना चीर कर दिखाए, सभी वीर दांतों तले अंगुली दबाए, जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां, ओ कैसा कैसा बचपना दिखेगा, कि मुख चापे दिनकर श्रीमान, मुख चापे दिनकर श्रीमान, हृदय मध्य विराजे भगवान, और तीन लोक यश गाथा गाए के जय हो वीर हनुमान, जहां में जहां में जहां में ऐसा जवान, आएगा एक किसान देखिएगा, वो भी प्रमाणित किसान। क्या बात, लोग कहते हैं भारत देश कृषि में पीछे है, मैं कहता हूं नहीं, सब भारत की नकल कर रहे, बराबरी आज तक नहीं है। आदरणीय हमारे सम्मानीय वाजपेयी जी, श्री सतीश वाजपेयी जी की ओर से ये 201 मुद्राएं भेंट हुए हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, भगवती से कामना करता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो लेकिन सुखद हो। एक भेंट और है आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री राजू शुक्ला जी, होटल अंशराज, आपकी ओर से 100 मुद्राएं भेंट हैं। साधुवाद है, भगवती आपके परिवार को सुखी रखे। आइएगा एक किसान को और देखिएगा, अगर थोड़ा सा इस माइक में सपोर्ट और मिल जाता। हेलो जी, एक किसान देखिएगा, धरती पे बरसा नहीं, धरती पे बरसा नहीं कई साल पानी, उपाय पूछा क्या किया जाए, और जब उपाय बताया, चलाते हैं सोने का हल, चलाते हैं सोने का हल राजा वरानी, क्योंकि राजा था, प्रजा की दशा पर बरसे
आंखों से पानी, प्रजा की दशा पर बरसे आंखों से पानी, धरती से कन्या बनकर प्रकटी भवानी, जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां, ओ कैसा कैसा राजा रानी बने किसान, ज्ञानी सुनो लगा कर कान, राजा रानी बने किसान और बिना बीज के, बिना बीज के धरती से पैदा कर ली संतान, जहां में जहां में जहां में ऐसा किसान कहा, अगर ऐसा कहीं किसान मिल जाए तो बताइएगा, भारत के अलावा आएगा। विज्ञान देखिए, लोग कहते हैं हमारा देश विज्ञान में पीछे है, हालांकि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, जय अनुसंधान। विज्ञान देखिएगा, चरण धूल पाकर शिला, चरण धूल पाकर शिला बन जाए नारी, सारे विश्व के वैज्ञानिकों की बुद्धि खराब है, पैरों की धूल पड़ने से कोई पत्थर नारी कैसे बनता है, कैसा विज्ञान है भारत का। चरण धूल पाकर शिला बन जाए नारी, और पानी में पर्वत तैरे, एक कंकड़ भी डाली डूब जाएगा, लेकिन भारत का विज्ञान हाथ से केवल छू दिया तैरने लगे, लेकिन केवल तैरने नहीं रहे, उस पर लोडिंग कितनी, पानी में पर्वत तैरे चढ़े सेना सारी, पानी में पर्वत तेरे चढ़े से नसारी, लोग कहें भगवान थे इसलिए। एक बार मैं सुन रहा था टेलीविजन में विज्ञान वार्ता चल रही थी, तमाम विदेशी वैज्ञानिक इकट्ठे थे, सोचते थे कि समुद्र के तह तक जाना बड़ा कठिन है, समुद्र का पानी सुखा पाना बड़ा कठिन है। मैंने कहा दत्त तुम्हारे की तुम कैसे वैज्ञानिक हो, जब समुद्र को सुखाना हो हमारे भारत चले आना, तुम्हारी मशीनें नहीं सुखा पाएंगी लेकिन हमारा भारत। अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी, अंजलि से पी गए सारे सागर का पानी, लाल चंद्र दुनिया भर में जाहिर कहानी, जहां में जहां में जहां में ऐसा प्रमाण कहां, कैसा कि भारत में था एक विमान, लोडिंग क्षमता कितनी, कोई भी वाहन बनता है सबसे पहले उसकी क्षमता निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन इस विमान की क्षमता कितनी थी, 5 सीटर 10 सीटर 100 सीटर 1000 सीटर ना, भारत में था एक विमान,
बैठे सारा हिंदुस्तान लेकिन चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक स्थान, एक आदमी बैठे तो एक स्थान खाली, सब बैठे तो एक स्थान खाली, पूरा शाह बैठ जाए तो एक स्थान खाली, पूरा फतेहपुर जिला बैठ जाए एक स्थान खाली, हिंदुस्तान बैठ जाए तो भी एक स्थान खाली, पूरा विश्व बैठ जाए तो भी स्थान एक ही खाली। भारत में था एक विमान बैठे जिसमें सकल जहान, तो चाहे जितने बैठे पे खाली रहे एक स्थान, जहां में जहां में जहां में ऐसा विज्ञान कहां, ओ मेरा भारत आएगा। जल्दी जल्दी एक टुकड़ा और भेंट कर देता हूं। आएगा एक गीत हमारे हृदयांश श्री शंभु अंचल जी ने कहा है तो उसको गाए जा रहा हूं। बस इस निवेदन के साथ संदेह भैया, ये गीत YouTube में नहीं जाना चाहिए।